संत का मतलब होता है संत मीन्स समाधान और समाधान मीन्स संत। संत जो होते हैं उनका सच्चा मतलब ये है उनके पास हर एक चीज का समाधान होना चाहिए। महात्मा, महात्मा उसे कहते हैं जिसकी महान आत्मा हो। और सच्चे संत की पहचान है जिसे कभी क्रोध ना आए। ऐसा नहीं है यहाँ संत बैठे हैं पीले वस्त्र सेवड़ खाए हुए थे संत नाय होते। महाराज एक गृहस्थ भी संत हो सकता है अगर काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार को त्याग कर, तो समझ लो सच्चा संत बन गया। ये संत जी आ रहे थे, बोले क्यों रो रहा है? जवाब दिया, महाराज क्या बताएं, कपड़े धुले तो गधा भाग जाओ, गधा पकड़े तो कपड़े नहीं धुल पाए। ले रे बाबरे इधर आ। कान में धीरे से बात कही और कह के महाराज तो चले गए। और धोबी ने गधा पकड़ो, बुजुर्गो गधे को पैर में बांधा जाता है। गधा पकड़ के पेड़ के पास पहुंचे, सात बार हाथ घुमाया पेड़ के पास। अब गधा तो गधा सोच रहे हमें बांध रहे, खड़ो है तो कपड़े धुले, धोबी ने कपड़े सुखाए, दो घंटे बाद कपड़े गधे पे रखे, अब वो चल नहीं रहा। अब वो चल नहीं रहा, बोले अच्छी अकल बताई गई, अब तो चली उड़ाए रहो। लौट के महाराज आ रहे थे, बोले अब क्या चिंता है? बोले महाराज अब क्या बताए, ऐसी अकल बताए कि गए पहले तो बंधवाए गए, अब जो चली ना रहो और बांधो तो है ना। तो बोले संत जी, अरे बाबरे जैसे सात बार तूने सीधो हाथ घुमाओ तो ना उस सात बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही सात बार उल्टा घुमाया गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये मन है, अगर उल्टा चलाओगे तो उल्टा चलेगा और सीधा चलाओगे तो सीधा चलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। समझाया है कि मैया हमेशा अपने चित्त को वश में रखिए। यहां ये जो दुनिया है हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। क्यों? क्योंकि विद्वान कहते हैं कि दुनिया तीन चीजों से बनी है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया तीन चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात एक ही है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। महाराज जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है संहार करने वाला, मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। दुनिया तीन चीजों से ही बनी, हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। याद रखना, बड़े अच्छे राजा ही उत्तानपाद लिखा है।